अब देखो इसमें क्या है, ये जो चैप्टर है कंकाल तंत्र, इसमें अपने क्या पढ़ने वाले हैं शरीर। इसमें हमको सिर्फ लगता है कि अपने सिर्फ हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे कि शरीर में जितनी हड्डियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, मेन तो वही पढ़ाया जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि अपने जैसे अलग अलग सिस्टम पढ़ते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी है, तीन चार तो आपने कर मतलब कितने सारे कर भी लिए, तो उससे आपको पता लगा होगा कि अपने अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं जो अलग अलग काम को संभाल रहे हैं। वैसे ही इधर जो स्केलेटल सिस्टम में अपने मेन तो पढ़ेंगे हड्डियां ही, लेकिन फिर भी डेफिनेशन में कौन कौन आता है। अगर आप देखोगे अपने शरीर को एक ढांचा जिसने दिया हुआ है, एक एक फ्रेमवर्क, एक ऐसे दिखने में जो अपना शरीर जैसा दिखाई देता है ना, वो किसकी वजह से है? वो अपने शरीर के कंकाल तंत्र की वजह से है। उसमें हड्डियां आती हैं, जॉइंट आते हैं, मांसपेशियां आती हैं, लिगामेंट आते हैं, टेंडन आते हैं, बाकी सबका नाम आपने फिर भी सुना हो कि हड्डी क्या होती है, जॉइंट क्या होती है, मसल क्या होती है, लेकिन एक आपने दो नाम शायद ही सुने होंगे कि लिगामेंट और टेंडन क्या होता है, ये मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अब उसके बाद कई चीजों का नाम अपने इसमें देखेंगे कि फ्रैक्चर, पहले अपने हड्डियां पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपने देखेंगे जॉइंट क्या होते हैं, फिर अपने देखेंगे कि अगर कभी किसी के फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर वास्तव में क्या है। हड्डी का टूटना भी फ्रैक्चर है, जॉइंट का टूटना भी फ्रैक्चर होता है, पर फिर दोनों में फर्क क्या होता है, और फ्रैक्चर कब अपने आप जुड़ जाएगा और कब उसके लिए बाहर से कोई प्लस्तर लगवाना पड़ेगा, प्लस्तर लगता है ना पीओपी का, तो वो सारी चीजें इस चैप्टर में आएंगी, ठीक है। उसके अलावा हड्डियों से संबंधित आपको पता है रोग भी होते हैं, जैसे कि गठिया जो है वो हड्डियों से संबंधित रोग है, हड्डी मतलब जॉइंट से संबंधित रोग है, तो चैप्टर तो यही हुआ ना। अगर किसी को गठिया हो गया, मैंने बताया था ना लैक्टिक एसिड ज्यादा जमा होने से गठिया हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, वो रोग इसी चैप्टर में पढ़ा जाता है।